अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर हमें छुट्टियाँ कितनी हैं, अब हम क्या काम करें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कोई अनाउंसमेंट, असाइनमेंट, क्वेस्ट, जीटीपी कुछ भी नहीं आ रहा। तो बिल्कुल स्टूडेंट, आपको जब तक आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट नहीं आ जाता, अब आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है वो अप्रैल 19 की एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक टाइम है। जो भी नेक्स्ट अप टू डेट आएगी, अगर टाइम बढ़ता है रिज़ल्ट का तो आपकी छुट्टियां बढ़ती हैं। फ़िलहाल तो आपकी 19 तारीख तक तो आपकी छुट्टियां हैं, ठीक है। 19 के बाद भी आपको छुट्टियां ही होंगी 4-5, क्योंकि आपका जो नया सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट होनी है, वो न्यू क्लासेस जब स्टार्ट होती है स्टूडेंट की, तभी आपकी भी क्लासेस साथ ही स्टार्ट होती है। तो स्टूडेंट, आपकी 19 तारीख तक तो आपकी छुट्टी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करता हूँ आप अपने स्टूडेंट प्रोग्राम में जाएं, स्टूडेंट कोर्स में जाएं और स्टूडेंट स्टडी प्रोग्राम जितना भी है आपका उसे चेकआउट करें। जो भी नेक्स्ट आपका सेमेस्टर बन रहा है उस सेमेस्टर को प्रिपेयर करें, उसमें से कुछ ना कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप जानते हैं आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है। आपके मिड एग्ज़ाम भी 2 माह बाद आ जाते हैं और 2 माह बाद ही आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम आ जाते हैं, इसलिए आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है। इसलिए आप कुछ ना कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दें, नहीं तो YouTube से कुछ ना कुछ स्किल सीखें। इस टाइम में जब आप स्किल सीखेंगे तो आप जब कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वो स्किल आपके काम आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के लेटेस्ट अप टू डेट असाइनमेंट, क्वेश्चंस एंड जीटीपीएस आप तक वक्त ब वक्त पहुँचते रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम कैसे रहे।